इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीगल रीस्कैन प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरीके से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए स्कैनर डेटा होना चाहिए, जो कि ये हमारे पास है स्क्रीन पे। उसके बाद हमारे पास एक रेफरेंस मैश होना चाहिए या डीटीएम होना चाहिए, जिसको हम ओजीएल के नाम से बोलते हैं। एक ओजीएल चाहिए और एक रेफरेंस प्लेन चाहिए। तो हमारे पास स्कैन डेटा है, लेकिन अभी हमको सबसे पहले इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ओजीएल लेवल। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। पॉली डेटा के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे, पॉली डेटा, राइट क्लिक, इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद में जो मेरा ओजीएल का डेटा है, टेक्स्ट फाइल, वो मैं ढूंढ सकता हूँ। ओजीएल हीप नंबर 41, ओपन। ये मेरा टैब डेलिमिटेड है। अब इसमें एक्स वाई जेड वैल्यूज मुझको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ये डेटा टोटलाइजेशन का भी हो सकता है, स्कैनर से भी हो सकता है। तो जस्ट ओके प्रेस किया, ड्रैग किया डेटा को, आप देखेंगे डेटा आ गया है। अभी इसको पूरा सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉइंट क्लाउड से तो हमारा काम नहीं होगा, हमको सरफेस बनाना पड़ेगी, डीटीएम बनानी पड़ेगी। उसके लिए कंट्रोल ए हम प्रेस करेंगे, डेटा सेलेक्ट हो गया है, रेड कलर में शो कर रहा है। उसके बाद प्लेन ट्रायंगुलेशन हम लोग करेंगे और ट्रायंगुलेट का बटन दबाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा ट्रायंगुलेशन रेडी हो गया है। अब मैं स्कैनर डेटा और दोनों को मैं ऑन कर लेता हूँ, उसका जो व्यू है। अब देखेंगे कि एक के ऊपर एक डेटा है हमारा। अब प्लेन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, कोप्लेनर विद एक्स वाई प्लेन। आप देखेंगे कि एक प्लेन जनरेट हो गया है, लेकिन हमारा जो सरफेस है वो प्लेन के नीचे है। रेफरेंस प्लेन हमारा हमेशा सरफेस के नीचे होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्लेन पे क्लिक करेंगे, इसका जो ओरिजिन है उसको चेंज करेंगे। यहाँ के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 300 रखते हैं, ये हिट एंड ट्रायल है, तो हमारा ऑटोमेटिकली हम लोग हमारा सरफेस ऊपर हो गया और प्लेन नीचे हो गया है। कितना नीचे है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस हमारा सरफेस के नीचे होना चाहिए। उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए हम ये वी आइकन बना हुआ है, मेजर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। हम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, रास्टर मैश पे क्लिक करेंगे, मेरा जो बनेगा वॉल्यूम वन बनेगी। रेफरेंस प्लेन हमारा रहेगा XY001, जो कि यहाँ पे एक्टिव है। उसके बाद बेस मैश हमारा स्कैनर डेटा है, और रेफरेंस मैश जो हमारा है वो ओजेल हीप नंबर 41 है। दैट मीन्स रेफरेंस प्लेन तो रहेगा ही, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम कैलकुलेशन होगा वो स्कैनर डेटा और ओजेल हीप के साथ में होगा। आप देखेंगे इसके अंदर एक ऑप्शन है पॉलीलाइन के लिए। इसका मतलब है या तो हम कंप्लीट सरफेस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक पॉलीलाइन चूज कर सकें। तो जिस रीजन ऑफ इंटरेस्ट में आपको डेटा कैप्चर करना है उसका एक बाउंड्री आप डिफाइन कर दीजिए, तो जो भी वॉल्यूम कैलकुलेशन होगी वो उसके अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी नहीं है, तो हम एक पॉलीलाइन बना सकते हैं। उसके लिए इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पॉलीलाइन, शिफ्ट दबा के हम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंसर्न डेटा है जो मुझे चाहिए वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए। ये मेरा पॉलीलाइन क्रिएट हो गया है, इसको क्लोज कर सकते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें जो हमारा पॉलीलाइन है उसको हम ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है तो ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम बटन में जाएंगे, अगेन रास्टर मैश में ही रहेंगे, वॉल्यूम वन रहेगा, रेफरेंस प्लेन हमारा सेम रहेगा, बेस मैश भी सेम रहेगा जो स्कैनर डेटा है, और रेफरेंस मैश ओजीएल हीप होगा नंबर 41। पॉलीलाइन ऑटोमेटिकली हमने ड्रैग किया है, तो जो भी अवेलेबल पॉलीलाइन है उसने सेलेक्ट किया है। अदरवाइज अगर हमारे पास एक से ज़्यादा है तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी की सेटिंग्स हमारी सेम रहेगी और हम ओके का बटन प्रेस करेंगे।
आप देखेंगे कि ये हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया है। इसमें कट फिल को अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो आप माइनस करके ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दो डीटीएम को कंपेयर करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।